हर्ता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेश परशुराम जी की जय। परशुराम जी की जय। पिताश्री आप कितना प्रेम करते हैं मुझसे, जिससे आप प्रेम करते हैं उसका त्याग आप कैसे कर सकते हैं? आप अपनी पुत्री के प्रति इतने कठोर कैसे हो गए पिताश्री? क्योंकि मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं था, मुझे किसी भी मूल्य पर विजय प्राप्त करनी थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। किंतु फिर भी प्राजे का मुक्की देखने पड़ रहा है आपको। माता, कार्तिवीर्य अर्जुन की पराजय के बाद अब निरुपाय हुआ भंडासुर कदाचित स्वयं युद्ध करने के लिए विवश होगा। पुत्र गणेश, अभी एक अन्य उपाय है उसके पास। अब आप उनसे कितना युद्ध करेंगे पिताश्री? रोक दीजिए ना इस युद्ध को। माता के शरण में जाके उनसे क्षमा याचना कीजिए। शरण शब्द मेरे शब्द कोश में नहीं है। सब कुछ इसलिए नहीं खोया कि पीछे हट जाऊं, शरणागत हो जाऊं। येन केन प्रकारेण मुझे विजय चाहिए। मैं इस युद्ध में अब सबसे बड़ा दांव चलूंगा, जो मेरा अंतिम उपाय होगा। अब वो जो करेगा वो उसका अंतिम उपाय होगा। तो अब वो किसे भेजेगा माता? पुत्र, भंडासुर को दिए गए अपने वचन के कारण मैं कुछ नहीं कह सकती, इसलिए तो तुम्हें ही ज्ञात करना होगा, तभी हमारी देवी सेना युद्ध के लिए तत्पर होगी। युद्ध में विश्राम का भी महत्व है, तभी संचित ऊर्जा से योद्धा युद्ध कर सकते हैं। इसीलिए अब आप सभी विश्राम कीजिए। दायित्व मेरा ही है, तो मुझे शीघ्र ज्ञात करना होगा कि दुष्ट भंडासुर का अंतिम उपाय बनकर कौन आएगा। अब समय आ गया है मेरे सबसे शक्तिशाली उपाय के प्रयोग का। अभी भी युद्ध करना चाहते हैं? उसके लिए किसे भेज रहे हैं आप?
स्वागतम राक्षस राज, आप तीनों को महान असुर महानायक भंडासुर का प्रणाम। हम मात्र तीन ही नहीं, उससे कहीं अधिक हैं। ये मेरा पुत्र युद्ध कौशल में उन सभी असुरों से कहीं आगे है जिन्हें तुमने अभी तक युद्ध भूमि में भेजा है। और मेरे भ्राता एक संपूर्ण सेना के समान है, और मेरी तो पहचान यही है कि मैं एक नहीं दस हूं। दस दस अर्थात परम ज्ञानी, परम वीर दशानंद रावण, दशानंद रावण, दशानंद रावण। अब मेरी जय का मार्ग सरल कीजिए दशानंद रावण। असुर महानायक भंडासुर, निश्चिंत रहिए आप, मैं अपने पुत्र मेघनाद और भ्राता कुंभकर्ण के साथ आपकी विजय निश्चित कर दूंगा, क्योंकि मुझे अब सब ज्ञात है। जिस प्रकार वो मेरी दुर्बलता का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, उसी प्रकार उनकी दुर्बलता को मैं अपना बल बनाऊंगा। इस असुरी अट्टहास का अर्थ है भंडासुर ने पुनः किसी महाअसुर को जागृत किया है। किंतु ये अट्टहास, ये इतना परिचित क्यों लग रहा है? तो क्या हमें श्री माता ललिता और माताओं की सेना को सावधान करना चाहिए गणेश? नहीं भैया, शत्रु की योजना का उत्तर योजना बनाकर ही देना चाहिए, जिसमें शीघ्रता नहीं धैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए। किंतु इस समय मुझे रश्मि प्रभा की चिंता हो रही है। अब जब ये स्पष्ट है कि भंडासुर ने युद्ध के लिए किसी असुर को जागृत किया है, तो इसका अर्थ है कि वो उसे रोकने में असफल रही। तब तो रश्मि प्रभा के लिए वहाँ रहना संकट में ही हो सकता है गणेश, हमें शीघ्र कुछ करना चाहिए। नहीं भैया, अपने वचन के अनुसार मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक वो स्वयं मुझे अपनी रक्षा के लिए नहीं पुकारती। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री, अब शीघ्र ही हमारी सारी चिंताएं सदा के लिए दूर हो जाएंगी। पूरे परिवार को एक साथ देखने का मेरा ये स्वप्न पूर्ण नहीं होगा। किंतु कहाँ है तुम्हारी माता? वो तुम्हारे आते ही कहाँ दृश्य हो गईं? ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? कहीं गणेश जी मेरी भावनाओं के साथ खेल तो नहीं रहे? पिताश्री, गणेश जी के बारे में ऐसा सोचना अनुचित नहीं, पाप है। इसलिए मैं आपकी लाडली पुत्री आपको ये सुझाव देने आई हूँ, ये युद्ध रोक दीजिए, क्योंकि जो सर्वशक्ति है उनसे युद्ध करने का बड़ा क्या लाभ? पराशक्ति माता है। बस! रश्मि प्रभा वो देवी नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं सबसे शक्तिशाली, और इस युद्ध को रोकने की तुम्हारी इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी, किंतु मेरे या उस देवी के अंत के बाद। पूरी सृष्टि पे असुरों का राज होगा, जो मैं स्वयं नहीं कर पाया वो मैं असुर महानायक भंडासुर के लिए करूंगा, और उसके लिए उपयुक्त रणनीति मेरे पास है। भ्राता, भ्राता उठो।
भ्रातश्री, मैं यहाँ रणनीति समझा रहा हूँ और तुम निद्रा में खोए हो। भ्रातश्री, आप कितनी भी रणनीतियाँ क्यों ना बना लें, मैं आपसे पुनः यही कहूंगा कि पुण्य के समक्ष पाप की एक भी रणनीति सफल नहीं होती। स्मरण कीजिए आप कि पिछले युद्ध में क्या हुआ था। जिस प्रकार आप पिछले युद्ध में नारायण के राम अवतार को नहीं पहचान पाए, ठीक उसी प्रकार आप इस युद्ध में महादेवी देवी पराशक्ति को नहीं पहचान पा रहे। भ्राताश्री, उस युद्ध में उनके सहायक के रूप में स्वयं श्री राम भक्त महाबली हनुमान थे और इस युद्ध में उनकी सहायता हेतु स्वयं बुद्धिमान चतुर श्री गणेश हैं। ये वही गणेश हैं जिन्होंने भगवान महादेव के आत्मलिंग को आपको लंका ले जाने में विफल किया था। ओए, कितनी भी बुद्धि का प्रयोग कर ले, कितनी भी चतुराई कर ले, किंतु इस बार कोई मेरी योजना विफल नहीं कर सकता। आपकी क्या योजना है पिताश्री? मैं जाऊंगा? नहीं, हम में से कोई नहीं जाएगा। हम आसुरी सेना भेजेंगे क्योंकि उस देवी सेना की दुर्बलता उनकी चतुराई में है। पार्वती नंदन जब तक पहचानेंगे नहीं, वो सेना युद्ध के लिए अपने शस्त्र नहीं उठाएगी। और गणेश जी हमें पहचानेंगे कैसे जब हम दिखाई ही नहीं देंगे? तुम सूर्योदय के पूर्व देवी रथों के पीछे छुपे रहना। उसके पश्चात मुझे क्या करना है भ्राताश्री? धैर्य रखो, धैर्य। जैसे ही हमारी सेना आक्रमण करेगी, वो सेना तितर बितर हो जाएगी। तब मैं वही ध्वनि उत्पन्न करूंगा जिससे मैंने तुम्हें जगाया है कुंभकर्ण। तब तुम उस देवी को उसके रथ के साथ यहाँ उठा लाना। अर्थात आप मुझसे देवी पराशक्ति का अपहरण कराना चाहते हैं? अपहरण होगा तभी तो पराजित होगी वो। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। अब सूर्योदय में अधिक समय शेष नहीं। जैसी आपकी आज्ञा भ्राताश्री। सावधान गणेश, कोई आ रहा है। के कारण मुझे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। एक अकेला असुर नहीं, संपूर्ण सेना आ रही है भैया। सेना है ये, कौन इसका नेतृत्व कर रहा है? क्या हुआ गणेश, इन्हें देखकर तुम इतने चिंतित क्यों हो गए? भैया, मुझे इनमें कोई सेनापति अथवा इनका नेतृत्व करने वाला कोई नायक दिखाई नहीं दे रहा है। संकेत तक नहीं मिल रहा है मुझे। हाँ,
शीघ्रता करो, अब तनिक भी समय नहीं है। अवश्य यही इनकी योजना है, असुर सेना को भेजकर स्वयं छिपे रहना। इसीलिए पितृ पर्वत पर भी अचानक इतने धूम्र का विस्तार हो रहा है। सर्वप्रथम मुझे इस धूम्र को मिटाना होगा। मुझे दो असुर महायोद्धाओं की एक झलक तो दिखाई दी, किंतु मैं उन्हें पहचान ना सका। नहीं भ्राता कुंभकर्ण, अभी नहीं, अभी उचित समय नहीं है। गणेश जी के कारण ये संकेत असमय ही हो गया। सीधे माता पर आक्रमण कर दिया इस दुष्ट। प्रथम पूज्य गणेश जी को शीघ्र से पहचानना होगा। ये तो समय के पहले ही जागृत हो गया, कहीं गणेश जी इसे पहचान ना ले। इस बार एक नहीं, भंडासुर ने तीन असुरों को भेजा है। किंतु ये तीनों है कौन? We'll be right back.
देखो पुत्री रश्मि प्रभा, ये मेरी विजय का आरंभ है जिसे गणेश जी कदापि नहीं रोक सकेंगे। सावधान गणेश। समय के पूर्व हुआ तो क्या हुआ, विजयी तो हम ही हुए। परम ज्ञानी व्यक्ति भी यदि अपने अहंकार का परित्याग नहीं करता तो वो भी कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अब समय आ गया है संसार को पुनः नारायण अवतार प्रभु श्री राम द्वारा रक्षित होने का। इस बार ये कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके साथ वो नहीं है। वो कौन है पिताश्री? महाबली हनुमान।